जिसे तुम जन्नत कहते हो वहां घर है मेरा। तो फ्रेंड्स, हर साल गंगा के किनारे बसा देने वाला एक नया शहर दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखने के लिए दुनिया दीवानी है और इसे टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग फाइनली घर से निकल गए हैं और इस टाइम शास्त्री बीच पर खड़े हैं, और ये मेरा भाई है और हम हैं, और हम बाइक से हैं इस टाइम, और हम लोग पूरा मेला आपको घुमाएंगे अपनी बाइक से। तो गाइस, चलते हैं आगे की तरफ और आपको हम तारों का शहर दिखाते हैं, और ये हमारी स्कूटी है, तो हम चलते हैं मेले में। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम शास्त्री ब्रिज से जा रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस, हम लोग सिंगी चौराहा पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, तो इस तरफ से हम लोग निकलेंगे आगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और ये चुंगी चौराहा है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग संगम से निकल के बाहर जाते हुए अपने घर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं मेले के क्षेत्र में। तो गाइस, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेला, आप देख सकते हैं हम मेले में एंट्री कर चुके हैं। और गाइस, आज बरसात होने के कारण कल रात में आज बहुत ज्यादा ठंडी भी है। तो गाइस, अभी हम हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं, और आप सामने देख सकते हैं बोर्ड में कि हम हनुमान मंदिर पहुंच गए, और ये रोड सीधा संगम की ओर जाएगी। तो हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले संगम क्षेत्र में और आपको गंगा मैया का दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चल चुके हैं संगम की ओर और एकदम गंगा के किनारे तक आपको हम ले चलते हैं, आपको घुमाते हैं। और अचानक से आपके कानों में एक भजन पड़ेगा और वह आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा, तब समझ लो आपने प्रयागराज के माघ मेले का असली वाइब को एंजॉय किया है। तो गाइस, हम पहुंच गए एकदम संगम के किनारे, और अब हम आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं संगम का। और ये एकदम किनारे हम लोग खड़े हैं, और ये आप चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइज, ये रहा आपका संगम का चारों तरफ का नज़ारा। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे दिन में आते हैं तो आपको यहाँ पे लाखों की भीड़ दिखाई देगी, जो कि अभी यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पे आए हैं घूमने और आपको दिखाने। ज़्यादा ठंडा था, एकदम गल गया हाथ। अब रात में नहीं आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर आए तो दिन में ही आए, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और देख रहे हैं पूरा कोहरा कोहरा सब इलाका हो गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आप लोगों के लिए हम लोग दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं हर जगह पूरा कोहरा है, और इस जगह इस टाइम कोई है भी नहीं। हजारों घूमने वाली जगह है और लाखों तरह के खाने हैं साहब, हम क्या करेंगे दुबई अमेरिका जाके, हम तो प्रयागराज के दीवाने हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाता हूँ स्वर क्या होता है।
तो गाइस अभी हम दूसरा रास्ता पकड़े हैं जो कि संगम से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ किला की तरफ। तो ले चलते हैं आपको अच्छे बट किला में दिखाते हैं आपको, अगर शायद वहाँ पे अगर खुला हो तो हम आपको अंदर भी ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हैं संगम से निकलने के बाद चारों तरफ भजन ही बज रहा है, आपको चारों तरफ भजन बजता हुआ सुनाई देगा। संगम से लौटे हुए हैं गाइस और ये दूसरे रास्ते में हमसे मिलते हैं। वाले किला के सामने और ये आप देख सकते हैं ये किला है और इसके ठीक सामने हमारा अच्छावट मंदिर है और मंदिर रात हो जाने के कारण बंद है, नहीं तो हम चलते हैं आपको मंदिर अंदर की तरफ और मंदिर में दर्शन कराते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर के गेट के सामने। तो आप देख सकते हैं हम इधर से घूम गए हैं क्योंकि उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता बंद है। और इधर आप देख सकते हैं बजरंगबली मंदिर का दृश्य। और यहाँ पे फ्री में खाने का प्रबंध हुआ है, फ्री में आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और ये रहा बजरंगबली मंदिर का द्वार। कितना खूबसूरत सजाया गया है दोस्तों, आप एक बार प्रयागराज संगम का मेला देखने जरूर आइएगा। तो गाइस अभी हम मेले के क्षेत्र में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे झूला बड़ा वाला दिख रहा है आपको कैमरे में। पूरा मेला का क्षेत्र, यहाँ पे बच्चे आके घूम सकते हैं, खेल सकते हैं और आप झूले का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है इसको। वहाँ पर नंदलाल तो भाई अभी आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है जो इस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनी सिर्फ आपको दिन में देखने को मिलेगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो घूमा दिए, मेला घुमा दिए, लेकिन इसके लिए एक लाइक टैक्स है और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
गाइस एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हम लोग इतनी ठंडी में निकले हैं बाहर, क्योंकि हमारा सब कुछ गल चुका है इस समय। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।